50. 50. हम हैं इमी, तानी और इनाया, एक फुल टाइम ट्रेवल फैमिली। तो हमने अपने ट्रेवल की शुरुआत ईयर 2020 में करी, एन उस वक्त जब कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में जकड़ा हुआ था। तो डेट है 26 अगस्त, साल है 2020 और ये है मेलबर्न एयरपोर्ट मेरे पीछे। ना आदम की जात सिवाय मेरे इम्तिसाल और इनाया के। हम ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से ट्रेवल करके पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची पहुंचे और सही मायनों में अपनी इस ट्रेवल जर्नी का आगाज किया, जिसमें हमने ना सिर्फ पाकिस्तान के शहर, गांव और देहात एक्सप्लोर किए, बल्कि यहां के बेहतरीन और रिवायती खानों से लुत्फंदोज हुए। सालों साल पुराने खूबसूरत तहजीबी और सकाफती विरसे के बारे में आगाही ली और पाकिस्तानियों की उम्दा मेहमान नवाजी के मजे उठाए। और ये जगह देखें आप लोग। वहां से हमने अपना रुख टर्की की जानिब किया, जहां हमने शुरुआत इस्तांबुल से की और फिर कैपेडोकिया से लेकर साउथ वेस्ट ऑफ टर्की तक रोड ट्रिप किया। उसके बाद हमने साउथ ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप की कुछ कंट्रीज विजिट की, जिसमें रोमेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया और ग्रीस शामिल हैं। और उसके बाद हम रवाना हुए अपने अब तक के सबसे एडवेंचरस मिडल ईस्ट टूर पे, जो शुरू हुआ ईरान से और फिर वहां से होते हुए हम गए जॉर्डन, फिलिस्तीन, इसराइल और आखिर में पहुंचे सऊदी अरब। माशाल्लाह से आज हम एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जहां से इस पूरी जर्नी का आगाज हुआ था, और हम रवाना हो रहे हैं एक और सफर पे, जिसमें हम साउथ ईस्ट एशिया को एक्सप्लोर करेंगे और इसकी इब्तिदा हम कर रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक, थाईलैंड, और ये हमारा स्टे है एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड पामा हाउस। ये एक्चुअली एक हॉस्टल स्लैश होटल है। हमारा रूम 3rd level पे है और ये काइंड ऑफ लॉबी एरिया है। और अभी से मैं बहुत शॉक्ड हो रही हूँ, बिकॉज जब हम एंटर हुए हैं हमने अपने जूते नीचे उतारे हैं, लाइक एक और लेवल डाउन, और चप्पलें पहनी हैं, और ये बिल्कुल लाइक एक अलग ही, अभी समझ कुछ नहीं आ रहा हमें। सो वी गोना गो अपस्टेयर्स, अपना सामान रखेंगे और फिर हमें बाहर निकलना है और कुछ लोकल ट्राई करना है, बिकॉज आज हमारी पहली रात है थाईलैंड में, तो वी वांट टू सी व्हाट एवरीथिंग इज़ अबाउट। तो 2 दिन के थका देने वाले सफ़र के बाद हम लोग बिलाखिर पहुंच चुके हैं बैंकॉक, थाईलैंड। और थका देने वाला सफ़र इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम लोग मौजूद थे 2 दिन पहले ब्रिस्बेन में, और ब्रिस्बेन से हमें सिडनी जाना था क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थाईलैंड की बुक हुई थी वो सिडनी से हुई थी। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रिस्बेन से फ़्लाइट थी, एक तो जा नहीं रही थी और जो जा रही थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। हमने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया था ब्रिस्बेन से सिडनी तक, तो हमने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और हम लोग ब्रिस्बेन से ट्रेन लेके सिडनी जाएं। डिसीजन बहुत अच्छा था लेकिन थका देने वाला था, क्योंकि उस ट्रेन का जो ड्यूरेशन था वो तकरीबन 14 से 15 घंटे का था। तो हमने फर्स्ट क्लास ट्रेन ली ब्रिस्बेन से और हम लोग सिडनी पहुँचे कल रात को तकरीबन 8:30 बजे, और उसके बाद सीधा हम लोग होटल पहुंचे जो कि हमारा न्यू टाउन सिडनी में वाक़ था, और वहां से हमें सुबह सवेरे निकलना था क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी बैंकॉक के लिए सुबह 11 बजे की। तो हम तकरीबन 8:30 बजे निकले अपने होटल से, बिकॉज न्यू टाउन एयरपोर्ट से बहुत करीब, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी देर लगेगी, लेकिन फिर भी ट्रैफिक बहुत बदतरीन है सिडनी का, और जो कि एक 5 या 6 मिनट का रास्ता था, इट टर्न इनटू लाइक अ गुड 25-30 मिनट्स। और फिर जब हम एक्चुअली एयरपोर्ट पहुँचे वहाँ भी बहुत रश था, एंड वी वर लाइक रनिंग थ्रू द एयरपोर्ट, बिकॉज हमें लग रहा था कि मतलब चेक इन ख़त्म ना हो गया और कुछ ऐसा ना हो गया। तो हमने ऑनलाइन चेक इन कर लिया था, तो हमारी इतनी लंबी लाइन स्किप हो गई है, इवन दो द सिडनी ट्रैफिक इज़ लाइक अब्सर्ड, फिर भी हम टाइम पर पहुँच गए हैं एंड वी जस्ट हैव टू चेक इन आवर लगेज और फिर हम लाउंज में जाके थोड़ा सुकून करेंगे। अच्छा, तो सिडनी एयरपोर्ट पे जो हमारा ट्रेवल एक्सपीरियंस था वो मेरे ख्याल से एक तरह से अगर ये कहा जाए कि हमारी ज़िंदगी का बदतरीन ट्रेवल एक्सपीरियंस था एयरपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो गलत नहीं होगा। और वो इसलिए क्योंकि हम सुबह 8:30 बजे पहुँचे सिडनी एयरपोर्ट, 11 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, सबसे पहले गए हम चेक इन करने सामान को,
वहाँ पे सामान चेक इन किया। वहाँ पे जो थाई एयरवेज की रिप्रेजेंटेटिव थी उसने कहा कि आपके पास थाईलैंड का वीज़ा नहीं है, तो मैं आप लोगों को पहले खबरदार कर रही हूँ, जब आप लोग थाईलैंड पहुँचेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी एंट्री जो है वो रिजेक्ट कर दें और आप लोगों को ये कहें कि आप लोग वापस जा सकते हैं क्योंकि आपके पास रिटर्निंग टिकट नहीं है। एंड देन वी डिड ऑल ऑफ दैट और अपनी बोर्डिंग पास लेके हम गए सिक्योरिटी चेकिंग और उस पूरी जगह पे, एंड आई थॉट दैट वुड बी अ क्विक प्रोसेस, लेकिन बहुत बहुत बिजी था एंड आई थिंक लाइक देयर वर बेयरली टू और थ्री पीपल वर्किंग, और जिस लाइन में हम थे वो फैमिलीज और डिसेबल्ड वाले लोगों की लाइन थी, तो वहाँ पे बहुत कम वर्कर्स थे, इट वाज लाइक रियली रियली रश्ड। खैर हम लोग लगे फैमिली की लाइन में, तकरीबन वहाँ पे हमारा आधा घंटा जो है वो ज़ाया हुआ। उसके बाद जब हमारी बारी आई तो इनाया और इम्तिसाल का पासपोर्ट जो है वो फ़ौरन से झटपट उन्होंने वेरीफाई कर दिया। मेरा जो है, चूंकि मेरी दाढ़ी थोड़ी सी जो है वो बढ़ी हुई है, हो सकता है उन्होंने ये सोचा कि ये जो पासपोर्ट पे तस्वीर है जिसकी वो थोड़ा सा चिकना सा लग रहा है, यहाँ पे इसकी शेव बढ़ी हुई है, तो ये कोई और तो नहीं है। उन्होंने हमें साइड पे खड़ा होने को कहा। उसके बाद तकरीबन वहाँ पे 10 से 15 मिनट लगे वेरीफाई करने के लिए पासपोर्ट। वो पासपोर्ट रख के वहाँ से कहीं और चले गए। उसके बाद कोई और साहब आए वहाँ पे, उन्होंने वेरीफाई किया, उसके बाद उन्होंने मेरा नाम पुकारा और मुझे पासपोर्ट थमा दिया। वहाँ से हम लोग गए कस्टम क्लियरेंस, और कस्टम क्लियरेंस पे जब पहुंचे तो हमने अपने कान पकड़ लिए क्योंकि वहाँ पे 90% जो है वो सारे हमारे भाई और बहन ही काम कर रहे थे, सारे मुस्लिमीन थे, लेकिन फिर भी मुस्लिमीन ने रोज़ा रखा हुआ था शायद, तो रोज़े की वजह से वो सारे जो है कोई जमाई ले रहा है, कोई बस किसी का दिल नहीं चाह रहा था कि काम करे। हमने उनसे पूछा कि लैपटॉप निकालें, दो लैपटॉप है हमारे पास। उन्होंने कहा हाँ निकाल दो अगर चाहते हो, लेकिन निकालना भी ज़रूरी है। खैर हमने लैपटॉप निकाला, जो हमारा एक मेन बैग है जिसमें सारा इक्विपमेंट गियर होता है, वो उन्होंने कहा कि ये चेक होगा। तो वो उन्होंने खोला, सारे तार वार निकाल के इधर उधर फेंके, बैटरियां उधर फेंकी, कैमरे उधर फेंके, लेंसेज ये सारी चीजें इधर उधर मतलब उन्होंने फेंक दी। उसके बाद जो है वो लेके गए चेक करने के लिए स्कैनर में। तो जब वो हमारा सामान उठा के लेके गए स्कैनर से स्कैन करने के लिए, तो उन्होंने ये गवारा नहीं समझा कि वो हमें ये बता दें कि जब आपका सामान स्कैन हो जाएगा तो यहाँ पे रखा होगा, आप ये उठाइएगा और यहाँ से चले जाइएगा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हमें किसी ने नहीं बताया था, तो हम इंतजार कर रहे थे। जो बंदा वहाँ पे लेके गया था हमारा बैग, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और वो मेरे ख्याल से बैठ के कुछ स्कैन कर रहा था, तो मुझे और इम्तिसाल को ये लग रहा था कि हमारा बैग जो है वो बार बार स्कैन हो रहा है। फिर वहाँ से एक आंटी आई, उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो खड़े हो के इतनी देर से। तकरीबन इस पूरे प्रोसेस में जो है 10-15 मिनट फिर से गुजर गए, और याद रखिएगा कि हमारी फ्लाइट जो है वो निकलने में मुश्किल से 15-20 मिनट रह गए थे हमेशा की तरह। तो लेट लतीफ हम नहीं है, ये सिडनी एयरपोर्ट का कसूर है, आज हम लोग जो है वक्त पे पहुंच गए थे। खैर उन आंटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमें बताया कि आपका सामान हो गया है स्कैन और वो साइड में रखा हुआ है तो उठा लीजिए। तो वहां से हमने जाके अपना सामान उठाया, सारी चीजें जो उन्होंने उठा के इधर उधर फेंकी थी वो सारी हमने तरतीब से फिर से जगह पे रखी, और उसके बाद हम लोग वहां से लिटरली भागे। इम्तिसाल को मैंने जिंदगी में इतना तेज कभी भागते हुए नहीं देखा। उसके बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे पहुंचे, एक तो दूर बहुत था हमारा जो गेट नंबर था, तो वहाँ पे जो है थाई एयरवेज की बहन जो है वो भागती भी आ रही है और वो नाम कॉल कर रही है लास्ट कॉल। यहाँ पे एक अजाब हो गया अपनी फ्लाइट बोर्ड करना। पहले मेरा पासपोर्ट उन्होंने वेरीफाई किया, उसके बाद मेरा बैग उन्होंने खुलवाया, उसमें से सारा सामान निकाला, बस हम भाग के यहाँ पे आए, और इन द निक ऑफ टाइम बस एक मिनट से हमने ये फ्लाइट कैच की और बंदी जो है वो हमारे नाम कॉल कर रही थी जल्दी से जहाज पे चढ़ते हैं। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जहाज पे सवार हुए। Thai Airways International would like to welcome you on board the Royal Orchid Service flight. We wish you all a pleasant flight. Thank you. हमारा ऑस्ट्रेलिया से थाईलैंड का सफर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी और अच्छा गुजरा। When we finally arrived in Bangkok, हम थोड़ा सा taken back थे because airport पे robotic cleaners चल रहे थे and everything seemed a little bit different. Of course हम एक नए मुल्क में एंटर हो चुके थे, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज ये थी कि जब हम finally टैक्सी पकड़ के अपने होटल की तरफ गए, we saw the most beautiful Bangkok city sunset, our first of many in Thailand. यहाँ पे मेरे ख्याल से शाम के 7:30 बज रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, थके हुए शदीद हैं, लेकिन जाहिर है जो हमारा मकसद था जिस जगह हमें पहुँचना था वो पूरा हो गया, तो थकन तो दूर हो जाएगी। तो ये छोटी सी कहानी थी हमारी इस ट्रेवल जर्नी की। जल्दी से बगैर मैं इंतज़ार करवाया आप सबको रूम दिखाता हूँ, जिस रूम में हम लोग रुके हैं, जिस होटल में हम लोग रुके हैं, इसका नाम है पामा हाउस बुटीक होटल। तो ये हमारा कमरा है, शानदार किस्म का कमरा है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये जो थाई वर्क होता है वो आप इस अलमारी के ऊपर देख सकते हैं, शानदार किस्म का हाथ से उन्होंने बनाया हुआ, और ये अलमारी है, और नीचे जो है वो बैम्बू से बनी हुई, ये इन्होंने यहाँ पे वो लगाई हुई है, नेट सी लगाई हुई है, और ये अलमारी है, इसमें हम सामान वामान रख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे मेरे ख्याल से टॉवल्स हैं, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे शानदार किस्म का क्वीन बेड है, और ये क्वीन बेड जो है वो शीशम
की लकड़ी का बना हुआ है। अच्छा बेड जो है वो बहुत शानदार है, बड़ी आर्टिस्टिक लुक दी हुई है। जैसे यहाँ पे अमूमन थाईलैंड में हमने देखा है कि इस तरह की मसेरियाँ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं सोने के लिए, और इसके ऊपर ये लोग अक्सर ये भी करते हैं कि नेट डाल देते हैं, तो अगर आपको मतलब कीड़े मकोड़े मच्छर, एक तरह से वो मच्छरदानी का काम भी देती है, और अगर आपको आराम से पुरसकून नींद सोनी है तो आप इसके ऊपर नेट डाल सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे एक छोटी सी बैल्कनी भी दी हुई है, और वो बैल्कनी खुलती है मेन रोड की तरफ, और यहाँ पे आपको वो हसल बसल, वो शोर शराबा थाईलैंड का फुल आवाज वाली जो है टुकटुकें भी मिलेंगी सड़क पे, और नीचे जो है वो शानदार किस्म के वो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो स्ट्रीट फूड बेच रहे होते हैं वो भी है वहाँ पे। लोग फुटपाथ के ऊपर कुर्सियों पे बैठ के जो है वो खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दोस्त यार जो है वो गप्पे मार रहे हैं। हम ये सब करेंगे थोड़ी देर में फ्रेशन अप होने के बाद। अच्छा उसके साथ यहाँ पे मैं ये बंद कर दूँ वरना आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को। उसके साथ यहाँ पे टीवी है, एक बड़ी सी टेबल है जिसके ऊपर कुछ दराजे हैं सामान वामान रखने के लिए, यहाँ पे एसी है, और एसी मेरे ख्याल से मैंने इतना बड़ा जिंदगी में अपनी नहीं देखा, हम इतने होटल्स में गए, काफ़ी लंबा एसी है और काफ़ी पावरफुल एसी, और हमें ज़रूरत भी है क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है थाईलैंड में। और आखिर में हमारे पास एक अटैच बाथरूम भी है, तो ये टॉयलेट है, बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, लेकिन सबसे अच्छी बात इस होटल की जो मुझे अब तक लगी है, सफाई सुथराई का इन्होंने कमाल का ख्याल रखा हुआ है। तो जल्दी से फ्रेशन अप होते हैं, बहुत थके हुए, नहा धो के फिर निकलते हैं, थोड़ा सा खाना पीना करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा तो आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हमने जो पहली टैक्सी की हमें वो मिल गई, और वो भी मीटर पे। तो यूजुअली होता यहाँ पे ये है कि आप जैसे एक टैक्सी पकड़ेंगे तो जो भी वो मुँह बोला दाम आपसे मांगना चाहे वो मांग लेते हैं, और वो यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है, वे मोर देन यू नो दैट यू कैन एक्सपेक्ट। तो कोशिश ये होती है हमारी कि अब आगे से हम यही करेंगे कि जो भी मीटर पे जा रहा हो ना टैक्सी वाला, हम उसके साथ जाएँ। एंड अब हम जा रहे हैं सेंटर वर्ल्ड। ओके ओके थैंक यू। तो सेंटर वर्ल्ड आगे है, लेट्स गो आउटसाइड। तो हुआ कुछ यूं कि अभी 2 घंटे पहले हम लोग अपने होटल पहुंचे थे, हमने जल्दी से चेक इन किया, सामान वामान रखा, उसके बाद हमने रिलैक्स किया। और आपको पता है एमी और तानी जो हैं वो अपनी आदत से मजबूर हैं, किसी भी नई जगह जाते हैं, किसी भी नए मुल्क जाते हैं तो ज़्यादा देर के लिए एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते। नीचे पहुँचे, लॉबी पे जो रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी उससे हमने थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए पूछा कि आज हमारा पहला दिन है बैंकॉक में, तो अगर तुम कोई जगह हमें रेकमेंड कर दो जाने के लिए, थोड़ी सी फील लेने के लिए कि हमें पता चल जाए कि बैंकॉक किस तरह का है। तो उसने हमें बताया एक जगह का जो कि बैंकॉक की अपेरेंटली सबसे बिजिएस्ट और सबसे पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशन समझी जाती है, और इस जगह का नाम है सेंट्रल वर्ल्ड। और यहाँ करीब में सराउंडिंग्स में बेतहाशा बेशुमार शॉपिंग सेंटर्स और बने हुए हैं, तो आई थिंक ये एक आइडियल चीज़ है आज रात हमारी, बिकॉज फर्स्ट नाइट है यहाँ पे, थोड़ी सी एक फील लेने के लिए थाईलैंड के बारे में। अच्छा सेंट्रल वर्ल्ड जो है वो अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है, खूबसूरत लेआउट है, बहुत सारी शॉप्स हैं मेरी नज़र में, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर मॉल वी हैव बीन टू। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ की लगी है वो ये कि यहाँ पे एक तो एनिमे कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको मॉल में हर जगह मिलेंगे, एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पर जाएंगे तो आपको बीच में इस तरह के, मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे। एक तो ये इस पूरे रीजन में साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में जो है इस तरह का कल्चर बहुत है, एनिमे कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं हमें। सो सेंट्रल वर्ल्ड वाकई में एक बहुत प्यारा मॉल है, और यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग लोगों को कैटर किया हुआ है। लाइक जिस लेवल पे हम हैं ये कम्प्लीटली बच्चों के लिए बना हुआ है, यहाँ पे टॉयज़ की दुकान है, आइस स्केटिंग, प्लेलैंड, सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। अच्छा मैं यहाँ देख रही हूँ कि हर वो ब्रांड लाइक लग्जरी ब्रांड जिसको मैं जानती हूँ वो यहाँ पे अंडर वन रूफ है, एंड देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ चॉइस, बहुत क्यूट कैफेज भी हैं, सो वी जस्ट गोना कीप एक्सप्लोरिंग। अच्छा तो सेंट्रल वर्ल्ड को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, बहुत अच्छा है, वैसी है जैसे अमूमन मॉल्स होते हैं,
सारे आपको लग्जरी ब्रांड्स मिल जाएंगे, सारे हाई एंड जो बुटीक्स हैं वो सारे अंदर हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए उन्होंने पूरा प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मॉल से नीचे उतरते के साथ ही हमें समर स्ट्रीट फूड की मार्केट नजर आएगी और यहाँ पे बहुत ज्यादा रौनक है। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ सुना था कि थाईलैंड की मार्केट्स, नाइट मार्केट्स स्पेशली बहुत फेमस होती है और लोग वहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आइडिया मुझे नहीं था कि बिल्कुल मॉल के साथ एक इतनी अमेजिंग किस्म की कलरफुल मार्केट लगी होगी और दूर से हमें फ्रूट्स और खाने और बहुत चीज़ें नजर आ रही हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। It's coconut water? Yes, it's not coconut water. Okay. Yeah. What do the locals like? Funny. This is going to be one of the very many that we're going to have in Thailand. So, this fresh young coconut ka water is here. And yeah, we'll get this one. Cold. अब तक तो हम सिर्फ ये कैन में पीते आ रहे हैं थाईलैंड का कोकोनट वाटर, आज हम रियल लाइफ पिएंगे। ठंडा यक है ये कोकोनट वाटर, मेरे सामने इस लड़के ने काटा है और ये टॉप तक भरा हुआ है पानी से। सो लेट्स ट्राई इट। ओह माय गॉड, सो स्वीट एंड रिफ्रेशिंग। और ठंडा है। Acha, if you want to just get an idea of the size, this is bigger than my face. It's huge. Sirf ye ek wajah hai ki hum log Bangkok 9 ghante ki flight lene ke baad Australia se aur raat ke mere khayal se pata nahi kya time ho raha hai 8:30 9 baj rahe hain, thake haare hum log seedha pahunch gaye yahan pe Central World aur yahan pe bada mazedar kisam ka mahol hai, ronak hi ronak hai, street food market lagi hui aur yahan pe thanda yak hame nariyal ka pani mila, to ye try karte hain। ये सबसे पहला इम्तिसाल तो ट्राई कर चुकी है, कह रही है बहुत मीठा और बहुत ठंडा है। मैं ट्राई करता हूँ, बहुत मज़े का है, बहुत रिफ्रेशिंग है और यहाँ पे गर्मी बहुत है और हब्स बहुत है, तो उसमें तो ये इस तरह की कोई चीज़ अगर आपको मिल जाए ना, ठंडी मीठी और रिफ्रेशिंग, तो क्या ही बात है भाई। तो जब हमने कोकोनट जूस पी लिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो लड़का ये खोलेगा और पूरी अंदर से फ्लैश हमें दे देगा। और ये खाना बहुत डिलीशियस है, इट इज़ सो स्वीट और बहुत बिल्कुल नरम, जैसे अंदर की जो फ्लैश है वो आप आराम से खा भी सकते हो। What is he making? Yeah, I'm making. What is this? तो इस स्ट्रीट फूड मार्केट पे काफ़ी रौनक है, हर बंदा कुछ ना कुछ खा रहा है, कुछ नया ट्राई कर रहा है, गाने लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं एंड इट्स सीरियसली अ वाइब। यहाँ पे हमने पैड थाई खरीद ली है और ये सीरियसली यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस नूडल डिशेज होती हैं। सो व्हाट इट इज़ लाइक सी फूड विद राइस नूडल्स, इसमें सॉसेस हैं और टोफू भी है और बहुत चीज़ें, अंडा भी डाला था उस लड़के ने। सो आई एम गोना बी ट्राइंग दिस राइट नाउ, बिग बाइट। तो पैड थाई की सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि एक सिट्रसी लाइम का टेस्ट आता है, देयर इज़ अ स्वीटनेस, देयर इज़ अ सॉल्टीनेस एंड इट इज़ लाइक एक्सट्रीमली बैलेंस्ड, इट्स सो डिलीशियस। और एक पीनट्स का भी टेस्ट आ रहा है, लाइक जैसे रोस्टेड पीनट्स हो इसमें। ये मेरी प्रॉबेबली फेवरेट डिश है थाईलैंड में एंड आई एम सो हैप्पी कि ये मैंने पहला अपना पैड थाई खा लिया यहाँ पहुँचते ही। अच्छा, तो अब हमारी कोशिश ये है कि हम लोग यहाँ से कोई मीटर टैक्सी ले लें और उसमें बैठ के हम लोग अपने होटल जाएं। $65.
अच्छा हम ऐसी सोच रहे थे कि यहाँ से थोड़ा सा चाइना टाउन तक हुआ है, लेकिन भाई जो है वो 400 भात मांग रहे हैं और हमें आइडिया हो गया है थोड़ा बहुत। वैसे भी इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है चीज़ों का और प्राइसेस का। हमें पता है कि यहाँ से ज़्यादा भी मेरे ख्याल से 80 या 100 लगेंगे, क्योंकि अभी हम लोग आए थे जिस जगह से वहाँ से हमारे मुश्किल से 85 लगे थे। तो भाई 400 भात मांग रहे हैं, मैंने 50 बोला तो हंस रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मॉल से थोड़ा सा जितना दूर जाएंगे उतना हमारे लिए आसान है टैक्सी ढूंढना, और वहाँ पे हो सकता है कोई टैक्सी वाला हमें ईमानदार मिल जाए और वो फिर जायज़ पैसों में हमें यहाँ से ले जाए। अभी सेंट्रल वर्ल्ड के पास मौजूद हैं और हम लोग अभी कोशिश ये कर रहे थे कि दूसरी तरफ चले जाएं टैक्सी लेने के लिए ताकि हम लोग होटल जाएं, लेकिन मुझे यहाँ पे हल्की सी आवाज़ आई और मैंने मिसाल से कहा, मिसाल तुम्हें आवाज़ आ रही है? मिसाल ने कहा मुझे भी आ रही है, और आवाज़ बिल्कुल ऐसी आ रही थी जैसे मतलब कोई मंदिर हो या कोई श्राइन हो। तो इम्तिसाल ने अपनी नज़रें दौड़ाई और यहाँ रोड की उस तरफ जो है हमें वो श्राइन नज़र आ गया। तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग उस तरफ जाएंगे, देखते हैं कि श्राइन जो है वो शहर के बीचों बीच क्यों बना हुआ है और क्या उसकी तारीख है, हिस्ट्री क्या है, और इतने सारे लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं तो क्या चक्कर है, वहाँ जाके चेक करते हैं। को अक्रॉस द स्ट्रीट घंटियों की आवाज आ रही थी एंड देन वी जस्ट क्रॉस्ड और इन द मिडल ऑफ द सिटी यहाँ पे एक श्राइन बना हुआ है, और लाइक कोई छोटा मोटा श्राइन नहीं है, इट्स एक्सट्रीमली पॉपुलर और लोग आ रहे हैं और ये गेंदे के फूल ये चढ़ा रहे हैं श्राइन के बिल्कुल इर्द गिर्द। इस श्राइन का नाम है एरोवान श्राइन और एक्चुअली इसकी हिस्ट्री थोड़ी इनक्रेडिबल है। एक लोकल ने मुझे अभी बताया, बिकॉज हमें इतना पता नहीं था इस श्राइन के बारे में, लेकिन जब ये होटल बन रहा था 1956 में, तो इसकी जो पहली बेसिकली जो ईंट थी वो गलत डेट पर किसी ने रख दी थी, तो इसकी जो फाउंडेशन थी गलत डेट पर ले हुई थी। तो आप जैसे हिंदूज और बुद्धिस्ट के जो रिलीजन में है, दे बिलीव इन बैड कार्मा, तो बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग डेट जो बिल्डर्स थे इस जगह के, दे थॉट के लाइक एक बुरा कार्मा होगा या कोई बैड लक ना हो जाए, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए उन्होंने बिल्कुल होटल के सामने यहाँ पे एक श्राइन बना दिया, और बिल्कुल साथ साथ ही बना था जब ये होटल बन रहा था, श्राइन भी उसी वक्त बन रहा था। सो ये जो टेम्पल है इट्स एक्चुअली अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द सिंक्रेटिज्म बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, बिकॉज जो इधर गॉड, जिस गॉड की इन्होंने स्कल्पचर बनाई हुई है, दिस इज द गॉड फ्रा फ्रॉम विच इज़ द गॉड ऑफ क्रिएशन। तो इस गॉड के 4 मुँह हैं एंड इट्स रियली क्रेजी कि दोनों रिलीजन में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। जो वर्शिपर्स हैं वो यहाँ पे अपनी एक रिस्पेक्ट और अपनी प्रेयर आंसर करवाने के लिए 2-3 चीज़ें कर रहे हैं, या तो ये गेंदे के फूल रख देते हैं श्राइन के इर्द गिर्द, उसके अलावा मैंने नोटिस किया वो मीठी चीज़ें लाइक डोनट्स या फल ऐसी वो ट्रेस पे रख के वो ऑफरिंग्स अपनी दे रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे एक डांसर्स भी होते हैं उनको भी वो पैसे देते हैं और वो एक परफॉर्मेंस देते हैं, और वो एक और तरीका होता है अपनी प्रेयर आंसर करवाने के लिए, विच इज़ वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी हैव सीन बिफोर। एक ऐसे दिन के बाद जिसमें हमने 9 घंटे की फ़्लाइट ली थी ऑस्ट्रेलिया से बैंकॉक तक, और बैंकॉक पहुंचने के बाद हमने जल्दी से अपने होटल जाके चेक इन किया था, और चेक इन करने के बाद आपको पता है कि हम अपनी आदतों से मजबूर हैं निकल गए थे थोड़ा सा बैंकॉक की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने, यहाँ का कल्चर देखने के लिए, थोड़ी सी फील लेने के लिए बेसिकली कि बैंकॉक और थाईलैंड जो है वो किस तरह का है, क्योंकि ये हमारी पहली दफ़ा है थाईलैंड में, हम लोग पहली दफ़ा आए हैं ज़िंदगी में, तो एक अलग सा कल्चर शॉक लगा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद यहाँ पे एक तो कल्चर बहुत है, लाइवलीनेस बहुत है, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे, पार्टी हब है, और एशिया का अगर एम्स्टरडम कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। तो बहुत मज़ा आया, थकन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये गहमा गहमी और ये रौनक देखने के बाद जो है बहुत मज़ा आ गया, और थकन जो है थोड़ी सी साइडलाइन हो गई है, और अब दिल ये चाह रहा है कि जल्दी से हम लोग जो है बैंकॉक की सही तरह से सही मायनों में वीडियो जो है बनाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह वो जल्दी होगा सब कुछ। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं अपने होटल, हम लोग पहुँच गए अपने होटल, यहाँ पर बहुत शोर शराबा है, एक बिजी सी स्ट्रीट के ऊपर हम लोग
चल रहा है जिसपे दोनों तरफ रोड साइड के ऊपर जो है लोग बैठे हुए खाना वाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अगली आने वाली वीडियोस जो हैं वो पावर पैक्ड होंगी, मज़े से भरपूर वीडियोस होंगी और हम कोशिश ये करेंगे कि एम्मी और तानी के स्टाइल में आप लोगों को थाईलैंड दिखाएं और पूरी सैर करवाएं साउथ ईस्ट एशिया की। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब बिकॉज अभी तो सिर्फ ये एक हल्की सी झलक थी एंड वी आर गोना गो क्रेजी ऑन दिस सीरीज। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो।